आज हम बात करने वाले हैं कर्म के ऊपर, कर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये कर्मा होते क्या है, एग्जैक्टली अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, इंसान को क्या करना चाहिए जीवन में एग्जैक्टली। तो कर्मा की हम जब बात करते हैं तो सब लोग एक चीज़ जानते हैं या मानते हैं कि हम को कर्म का फल मिलता है, हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो चीज़ हम करते हैं जैसे कर्म हम करते हैं उसके फल हमको मिलते हैं। बट कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, या तू कर्म कर फल तो मैं देता हूँ। तो ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म में फ़र्क क्या है। तो आप अपने आप को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपना कोई नुकसान नहीं कर रहे, अपने आप को दुखी तो नहीं कर रहे। तो एक पीपल प्लीजिंग और अच्छे कर्म के बीच में भी एक पतली सी लाइन है, वो भी इंसान को समझने की बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर्म का मतलब ये होता है कि आपसे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, जहाँ पे आपका ड्यूटी बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आप कार्य सही से करें। जैसे आप अगर कोई एम्प्लॉयर हैं तो आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम करता है, तो एम्प्लॉय की ड्यूटी ये बनती है कि वो आपका काम सही से करे, बिकॉज यू आर पेइंग दैट पर्सन। और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि वो इंसान आपके लिए सही से काम कर रहा है तो आप उसको सही समय पे उसका जो मेहनत का पैसा बनता है वो आपको दे। आपका एम्प्लॉय अगर आपके लिए अच्छे से काम करता है, टाइम पे काम करता है, और अगर आप उसको अच्छे से टाइम पे पैसे नहीं देते हैं, उसकी मेहनत के पैसे नहीं देते हैं, तो वो हो गया बुरा काम। बिकॉज इट कम्स अंडर योर ड्यूटी कि आपके साथ कोई अच्छा है तो आप भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, जो आपके ड्यूटी में आता है। इट इज दैट सिंपल। सेकेंडली, जब बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम ऑलरेडी हमारे जो कर्म है उस हिसाब से हमारा जीवन है, इट्स ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन तो ऐसे ही जाएगा। पर आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ, आपका जीवन जो है एक फ्लो में बहता है। आप अभी जिस परिस्थिति में हैं, जो भी परिस्थिति आपका है, वो आपके संचित कर्म, जो आपने पहले जो कर्म किए हैं उसका फल आपको अभी मिल रहा है। पर आप अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि योर प्रेजेंट हैज अ फाउंडेशन इन योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट हैज अ फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर। अगर वेट यूज करें, मैं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का एक तरीका है, मैं हर चीज़ को बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। से फॉर एग्जांपल, आपको वेट यूज करना है, आप बड़े अच्छे से अच्छे जिम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा ट्रेनर रख सकते हैं, बट एक्सरसाइज किसको करना है, समबडी विल गाइड यू। आपको गाइड मिल सकता है, आपको क्या खाना क्या पीना उसका शेड्यूल मिल सकता है, बट अल्टीमेटली जो कार्य करना है, जो वेट लूज करने के लिए जो करना है, वो तो आपके शरीर को ही करना है, आपको ही करना है। सो नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर यू, वो और कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। तो ये इतनी सिंपल चीज़ है, आप जीवन में आपका जो कार्य करते हैं आपको गाइडेंस मिल सकता है, ये जो यूनिवर्स है आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करके दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में जो अट्रैक्ट करते हैं आप, वो आपकी फीलिंग्स के साथ आप अट्रैक्ट करते हैं, आपके इंटेंशंस के साथ आप अट्रैक्ट करते हैं। तो परंतु आप जो अभी जो सिचुएशन झेल रहे हैं, या जो भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या सफ़र कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, वो पूरा का पूरा उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है, आपके कर्म को जाता है। आप सोचेंगे एवरीबडी ऑफ यू वुड हैव समबडी टू ब्लेम। आपके जीवन में हमेशा हम सोचते हैं कि हम किसी और को ब्लेम करें, कि हमें कुछ और चॉइस करना था, हमारे पास हमारे पेरेंट्स है शायद उनको ब्लेम करें, स्पाउस है उसको ब्लेम करें, बॉस है उसको ब्लेम करें। तो ब्लेम करने के लिए हम ना कैरेक्टर ढूंढ लेते हैं जीवन में। पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि ये सारे जो व्यक्ति आपके जीवन में है, या जिस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर फीलिंग यू हैव अट्रैक्टेड दैट, यू हैव मैनिफेस्टेड दैट। आपने वो चीज़ को उजागर किया हुआ है, आपने वो मैनिफेस्ट किया हुआ है आपकी फीलिंग्स के साथ। आप सोचेंगे कि हम तो हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, हम तो हमारे जीवन में हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी कोई नेगेटिविटी क्यों आती है जीवन में। तो उसका आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओन फीलिंग। आप कभी भी कितना क्या सोचते हैं उसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। आप सोचते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, बट कई बार आप नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। कोई भी चीज़ करने से पहले 100% कॉन्फिडेंस होता है आपको? आप पूछिए अपने आप को कि 100% आप रेस्ट अश्योर्ड होते हैं कि ये चीज़ का रिजल्ट यही आएगा? नहीं, हमेशा डाउट्स भी साथ साथ में होते हैं। तो इसको आप एक सिंपल तरीके से आप समझिए कि जैसे आपका मन है वो एक घर है, घर की तरह आप समझिए। उसमें आप जब नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आप कचरा डालते, और जब पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपको कचरा साफ। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है
अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड ज़्यादा रखते हैं तो दैट मीन्स योर माइंड इज क्लियर एंड क्लीन एंड इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है, आपकी इच्छाएं आपको पूरी करनी है, तो आपके कर्म के अंदर ही उसका गोल्डन की और गोल्डन जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है, और आपके फीलिंग्स के अंदर। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ योर ओन लाइफ, तब आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं।